नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप जो फ्रूट खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, वो सही वक्त पर खा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप सही वक्त पर नहीं खाएंगे तो उसका फायदा ना होने की बजाय वो आपकी बॉडी को नुकसान देगा। और अक्सर होता भी ये है कि हम गलत टाइम पर गलत चीज खा लेते हैं, और कई बार हम खाली पेट खा लेते हैं तो जिससे हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है और जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, जिससे पेट की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देखिए, केला कभी भी सुबह सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए। केले में कैल्शियम और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। खाली पेट केला खाने से शरीर में इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे में सीने में जलन या अल्सर की बीमारी हो सकती है। केले को भरपेट नाश्ता करने के बाद ही खाएं। देखिए, बहुत अच्छी बातें हैं आपको हम बता रहे। सेब एक ऐसा फल है जिसे लोग कभी भी खा लेते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि सेब रात को कभी नहीं खाना चाहिए। सेब खाने से बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, और रात में एसिड बनने से डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपके पेट की प्रॉब्लम होती है। इसलिए दिन के वक्त सेब कभी भी खाया जा सकता है, यहां तक कि नाश्ते से पहले भी। देखिए, कमाल की चीज बताई हमने आपको। अब हम आपको बताते हैं कि पपीते को सुबह के नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले खाना चाहिए। पपीता पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और खाने से पेट की बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। डाइजेशन और पाइल्स में ये बहुत ही लाभकारी है। इसमें शुगर की जो लेवल मात्रा है वो बहुत कम होती है, और खाना खाने के बाद अगर आप इसे खाते हैं तो आपके शरीर का वजन बढ़ता है। इसलिए आप इसको खाना खाने से पहले खाएं तो बेहतर है। संतरे को खाने का सही समय सुबह नाश्ते के बाद का है। कई लोग सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट कर सुबह जूस की तरह संतरे का सेवन कर लेते हैं, ये गलत है। ज्यादातर खट्टे फलों को कुछ खाने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो शरीर को बहुत नुकसान देता है, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप खाली पेट संतरा खाते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको संतरा खाना चाहिए नाश्ते के बाद। जी हाँ। और अनार खाने का सही समय है सुबह। सुबह शरीर को अगर एनर्जी चाहिए, और अनार को आप दोनों वक्त, जी हाँ, अनार के दानों में इतनी ताकत होती है कि अनार शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। और अनार को दोपहर को खाना खाने से पहले खा लेना चाहिए, तभी ये शरीर को फायदा पहुंचाता है। और अगर आप इसको शाम को खाते हैं तो ये आपको फायदा नहीं देता। अमरूद बहुत ही पसंदीदा चीज है, लोगों का बहुत ही प्यारा फ्रूट है। कई जगह इसे पेरू भी कहते हैं, और लोग इसे कभी भी खा लेते हैं, लेकिन इसे खाने का समय दोपहर के खाने के बाद का होता है। अमरूद खाने को पचाने में मदद करता है। दोपहर को खाना खाने के बाद इसे खाने से शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है, और आपका शरीर का जो सिस्टम है बॉडी का, उसको वो तंदुरुस्त करता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप फ्रूट खाने के शौकीन हैं तो उसको टाइम के हिसाब से खाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। अन्यथा वैसे तो खाइए, उसका कोई फायदा तो है नहीं। इन जानकारियों को लीजिएगा, आनंद लीजिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिएगा, और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे और दो चैनल हैं, शुरुआत जी और शुरुआत जी सुप्रभात, वहां पर भी आपको अच्छी जानकारियां मिल सकती है। वहां जाएंगे तो वहां भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।